देश इस समय कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। इससे संबंधित पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने वाले मुंबई में 53 पत्रकार कोविड 19 जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफरों, वीडियो पत्रकारों और रिपोर्टर सहित फील्ड से रिपोर्टिंग करने वाले 171 पत्रकारों के नमूने एकत्र किए गए थे और उनकी जांच की गई थी। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर पत्रकारों में शुरू में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। मुंबई टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जगदाले ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट की संख्या उपलब्ध नहीं है, मगर करीब 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विनोद ने कहा कि इस आंकड़े के और भी ऊपर जाने की आशंका है। ब्रेन मुंबई महानगर पालिका BMC के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मामलों में कोई लक्षण देखने को नहीं मिले हैं और अब इन सभी को घरों में ही क्वारंटाइन में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अन्य लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देश इस समय कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। इससे संबंधित पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने वाले मुंबई में 53 पत्रकार कोविड 19 जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। फील्ड में काम कर रहे फोटोग्राफरों, वीडियो पत्रकारों और रिपोर्टर सहित फील्ड से रिपोर्टिंग करने वाले 171 पत्रकारों के नमूने एकत्र किए गए थे और उनकी जांच की गई थी। पॉजिटिव पाए गए अधिकतर पत्रकारों में शुरू में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। मुंबई टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जगदाले ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट की संख्या उपलब्ध नहीं है, मगर करीब 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विनोद ने कहा कि इस आंकड़े के और भी ऊपर जाने की आशंका है। ब्रेन मुंबई महानगर पालिका BMC के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए और इन सभी को घरों में ही क्वारंटीन में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अन्य कई लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी